ज्ञानवापी में चल रहा था एसआई सर्वे, उधर अमेरिका में प्रकट हुए भोलेनाथ का सबसे बड़ा सबूत, जिसे देखकर आप भी कहेंगे हर हर महादेव। मस्जिद के अंदर दिखे भगवान और लटकता हुआ घंटा ज्ञानवापी की 154 साल पुरानी तस्वीर से हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। ज्ञानवापी के अंदर गदा लेकर प्रकट हुए बजरंगबली, सच हो गई सीएम योगी की भविष्यवाणी। मौलाना भी बोले कि बाबा मिल गए। काशी की जिस ज्ञानवापी को मौलाना मस्जिद बता रहे थे, उसके अंदर जब बजरंगबली दिखे तो चारों तरफ होने लगा हर हर महादेव। अयोध्या में बना राम मंदिर, काशी में बनेगा शिव मंदिर, सच हो गई योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी। ओवैसी ने भी जोड़ लिए अपने हाथ। मस्जिद के अंदर गदा लिए बजरंगबली और लटकता घंटा देखकर भारत के मुस्लिम भी बम बम भोले करने लगे। कहते हैं कि सच कितनी भी गहराई में छुपा हो, एक दिन धरती फाड़कर बाहर जरूर आता है। और अब ऐसा ही सबूत ज्ञानवापी के मंदिर में मिला है। मुस्लिम पक्ष ने खुद योगी के पास भेज दिया संदेश, अब आएगा सबसे बड़ा आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद में एसआई का सर्वे हो रहा है, लेकिन जो सबूत अधिकारी काशी विश्वनाथ में खोज रहे थे वो अमेरिका में प्रकट हो गया। ज्ञानवापी की 154 साल पुरानी तस्वीरें देखकर आप भी हर हर महादेव करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ज्ञानवापी में सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए सर्वे टीम दीवारों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और स्क्रीनिंग भी करेंगे। मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर सर्वे टीम ने मुख्य तहखाने को भी खुलवा लिया है, जिसे हिंदू पक्ष ब्यास तहखाना कहता है। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि ज्ञानवापी को कोई मस्जिद नहीं कह सकता, नहीं तो विवाद होगा, वहां त्रिशूल और हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आज उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये तस्वीरें देखकर मौलानाओं का गला सूख जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, इसका सबूत मिला है। इस तस्वीरों को गौर से देखिए, 154 साल पुरानी ये तस्वीरें इसी ज्ञानवापी की है, जिसे बाद में मस्जिद बनाया गया। इस तस्वीर में देखिए ज्ञानवापी के अंदर मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां दिख रही है। यहां बीच में बड़ा सा घंटा लटकता दिख रहा है, जैसे हर हिंदू मंदिर में होता है। इससे भी बड़ा सबूत बजरंगबली की मूर्ति है, जिसमें बजरंगबली गदा लिए हुए दिख रहे हैं। इसके बाद ये वही नंदी है जो अभी भी मौजूद है। ये अभी की तस्वीर है और ये तस्वीर आज से 154 साल पुरानी है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के स्थित गेटी म्यूजियम के फोटोग्राफ विभाग में ज्ञानवापी मंदिर की तस्वीर रखी हुई है। म्यूजियम में लगे फोटो के परिचय पत्र पर लिखा है कि ज्ञानवापी और वेल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं है। वहां प्रदर्शित तस्वीरों में ज्ञानवापी में मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत मिला है। ज्ञानवापी की तस्वीर ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल वार ने साल 1968 जब वो बनारस यात्रा पर भारत आए थे तब खींची थी। ये तस्वीर आज से 154 साल पहले के ज्ञानवापी की सच्चाई दिखाती है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दीवार पर बजरंगबली की नक्काशी की गई तस्वीरों में घंटियां और अन्य हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं, जिसे बाद में मिटा दिया गया, लेकिन सबूत आज भी मौजूद है। इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि उस दौर में ज्ञानवापी परिसर कैसा दिखता था। तस्वीरों में यहां जो बजरंगबली दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान की विराजमान तस्वीर है। अब इसे ना कोई मिटा सकता है और ना ही इसे कोई झूठा बता सकता है। ये सारी तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजल्स में गेटी म्यूजियम में भी मौजूद हैं और पूरी कहानी बता रही है। अजय देवगन की दृश्यम फिल्म का एक डायलॉग है कि झूठ कितनी भी गहराई में दबा हो, सच एक ना एक दिन बाहर जरूर निकलता है। इसी हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ज्ञानवापी सिर्फ मंदिर है, इसे कोई मस्जिद नहीं कह सकता। उस दौरान सीएम योगी के बयान पर ओवैसी और मौलानाओं ने खूब विरोध किया था, लेकिन क्या वो लोग इन तस्वीरों का जवाब दे पाएंगे? क्या कोई बता पाएगा कि 154 साल पुरानी इस तस्वीर में दिखने वाली ज्ञानवापी को किसने बदल दिया? जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सिर्फ हर हर महादेव कर रहा है। ज्ञानवापी का यह सबूत है जिसे कोई झूठा नहीं बता सकता। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है और आपके मन और जहन में क्या तस्वीर आती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।